एडिटर इन चीफ नाविका कुमार हमारे साथ इस समय न्यूज रूम से मौजूद है। नाविका जी, एनसीबी की जो दलीलें थी उनमें शायद दम नहीं था, इसलिए तीनों को बेल मिल गई। बिल्कुल, आज 27 तारीख है, 25 दिन आर्यन खान जेल में रहे, लेकिन दलीलें जो दी आर्यन खान की टीम, जो लॉयर्स की है, उसके बाद जज के पास कोई विकल्प नहीं था बट बेल का, क्योंकि बहुत बहुत अहम मुद्दे उठाए थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने, जिन्होंने आर्यन खान के डिफेंस में पूरा आर्ग्यू किया था पिछले 3 दिन से बॉम्बे हाईकोर्ट में। सबसे पहले जो उन्होंने कहा था वो ये बात थी कि जो व्हाट्सएप चैट्स जो लीक हुई हैं वो 2018-2019 की हैं, और जब फोन कॉन्फिस्केट किया था एनसीबी ने तो पंचनामे में फोन कॉन्फिस्केशन का कोई भी डिटेल नहीं था। और इसके बाद उन्होंने ये भी दलील पेश की थी कि आर्यन खान से कोई भी The court has granted bail to all the petitioners, Aryan Khan, Munmun and Arbaaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा, उन तीनों को आज हाईकोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। थैंक यू वेरी मच एंड नो मोर कमेंट्स। मुकुल रोहतगी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की दलीलें जज सामरे ने इस वक्त एक्सेप्ट की हैं। आर्यन खान की बेल की मंजूरी दे दी है। 25 दिनों के बाद आर्यन खान जेल से बाहर आएंगे। पिछले 3 दिनों से फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी मुंबई में थे, शाहरुख खान के साथ काफ़ी उनकी मीटिंग्स रहीं और सारी दलीलें जो उन्होंने कोर्ट में पेश की उसमें ये बताया कि किस तरह से एनसीबी ने ना तो कोई ड्रग्स की रिकवरी की आर्यन खान से, उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया कि उन्हें पता था कि उनके दोस्त अरबाज के जूते में ड्रग्स हैं, एक तो वो ड्रग्स की क्वांटिटी कम थी और मुकुल रोहतगी ने कहा आर्यन को इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, ना कंजम्पशन का कोई उनके पास टेस्ट था एनसीबी के पास। अनिल सिंह जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल है जो सरकार और एनसीबी की तरफ से आर्ग्यू कर रहे थे, उनकी दलीलों पर मुकुल रोहतगी की दलीलें भारी पड़ी और अंत में जज सामरे ने जो बेल का फैसला सुनाया उससे एक खुशी की लहर दौड़ गई है कैंप आर्यन खान में, और खास करके उनके पिता शाहरुख खान, जो व्यक्तिगत तौर पे मैं अपने सूत्रों के मुताबिक बता सकती हूँ, व्यक्तिगत तौर पे शाहरुख खान 3 दिन से कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे मुकुल रोहतगी और सारी लीगल टीम के साथ सारी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। हम वापस जाते हैं, सतीश मानेशिंदे इस वक्त अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, पहले सुनते हैं वो क्या कहते हैं। ग्राउंड जो भी है कल साहब दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे। इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए,
और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये इस वक्त जो हमारे पास डिटेल्स आ रहे हैं कि जज सामरे का डिटेल्ड ऑर्डर जो है वो कल या परसों तक वेबसाइट पर आएगा बॉम्बे हाईकोर्ट के। लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त ये है कि टीम शाहरुख खान, टीम आर्यन खान, मुकुल रोहतगी अटॉर्नी जनरल जो स्पीयर हेड कर रहे थे सारी लीगल स्ट्रैटेजी, और रायन करांजेवाला एंड कंपनी जो लॉ फर्म थी, इनकी जो लीगल स्ट्रैटेजी है और जो दलीलें कोर्ट में पेश की गई उसके बाद जज सामरे के पास जो ऑर्डर आया है वो यही कि आर्यन खान को बेल मिलनी चाहिए। बड़ी विक्ट्री है आर्यन खान के लिए भी और मुकुल रोहतगी और टीम जो उनकी लीगल एसोसिएट्स की है, सारी टीम ने बहुत बड़ी ये विक्ट्री हासिल की है इस वक्त आर्यन खान के केस में। सवाल ये उठता है कि जो एनसीबी ने अरेस्ट किया था उसके कानूनी स्टेप्स लिए गए थे या नहीं, ये इस वक्त कम से कम कोर्ट इससे कन्विंस्ड नहीं था, इसीलिए डिफेंस लॉयर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स थे वो प्रिवेल किए। अब सारी नज़रें आथर रोड जेल पर रहेंगी, आथर रोड जेल जहां से आर्यन खान को बेल के बाद आज शाम को रिहा किया जाएगा या नहीं, ये देखने की बात है। सुनने में आ रहे हैं कि डिटेल्ड ऑर्डर के बाद ही शायद उनको रिहा किया जाएगा और ये शायद कल या परसों में होगा डिटेल्ड ऑर्डर वेबसाइट पे लगने के बाद। तो कुछ घंटों का वक्त शायद उनकी रिहाई में बाकी है, लेकिन बड़ी विक्ट्री हुई है इस वक्त शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान के लिए। बहुत बहुत इस वक्त खुशी की घड़ी है, कुछ घंटों का इंतज़ार ज़रूर रहेगा रिलीज़ होने पर, जितनी जल्दी डिटेल्ड ऑर्डर आएगा पता चलेगा। लेकिन जो दलीलें थी इस वक्त मुकुल रोहतगी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल की, उसके बाद जज ने जो वर्डिक्ट दिया वो इस वक्त लोगों के सामने है। मैं वापस स्टूडियो में हैंडओवर करती हूँ, कुछ और इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, जब तक मैं उसको गैदर करती हूँ मैं हैंडओवर कर रही हूँ वापस स्टूडियो में। सुशांत सिन्हा हमारे साथ हैं। शुक्रिया नाविका जी, और इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आर्यन खान को जमानत मिल गई है, लेकिन इस पूरे मामले में अब सबसे अहम हिस्सा यह है कि इस जमानत को देते हुए कोर्ट ने क्या क्या सोचा जब वो ऑर्डर की पूरी कॉपी आएगी, क्योंकि आज दलीलें लंबी चली, इसके आज क्या आप कह लीजिए दो दिन से दलीलें लंबी चली। मुकुल रोहतगी जो शाहरुख खान के बेटे के लिए दलीलें रख, विल बी आउट सून। थैंक यू सर। रिएक्शंस लगातार आते जा रहे हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे, लेकिन इस वक्त लोग ये भी समझना चाहते हैं कि मुकुल रोहतगी का बयान आ गया, एक बार सुनिए फिर आगे की बात करता हूं। आर्यन खान, मुनमुन एंड अरबाज खान, द कोर्ट हैज हर्ड द केस फॉर मोर देन 2 or 3 days एंड द कोर्ट हैज ग्रांटेड बेल जस्ट नाउ। द डिटेल्ड ऑर्डर विल बी गिवन टुमारो एंड होपफुली ऑल द 3 पिटिशनर्स will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा, उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। थैंक यू वेरी मच। आज कोर्ट ने तीनों का सुनवाई करके 3 दिन के लिए तीनों को बेल दी है, आर्यन खान, अरबाज और मोनमोन। बाकी लोगों को जो भी अप्लाई करेंगे उनका डिसाइड बाद में हो जाएगा, लेकिन ये तीनों ने कोर्ट के सामने अर्ज की थी, तीनों छूट गए हैं। तीनों बाहर कब आएंगे सर? ग्राउंड जो भी है कल साफ दे देंगे, उसके बाद हम आपको कॉपी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और जब तक ऑर्डर हाईकोर्ट से नहीं निकलती है वो जेल से नहीं निकलेंगे, इसीलिए हम आपको सबसे शांति से प्रार्थना है कि तब तक आप प्लीज वेट कीजिए,
और डोंट आस्क फॉर एनी कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जमानत मिल गई है, उसके साथ ही अरबाज मर्चेंट को भी जमानत मिल गई है और मुनमुन को भी जमानत मिल गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दोनों या तीनों कह लीजिए कि जेल से या तो संभव है कि कल बाहर आएंगे, क्योंकि अदालत ने जो फैसला दिया है उसके पीछे डिटेल्ड जो जानकारी है वो कल तक, जब डिटेल्ड फैसला आएगा उसके बाद ये लोग बाहर आ सकते हैं। तो या तो कल आएंगे या शनिवार को सैटरडे को बाहर आ जाएंगे, इसकी उम्मीद है। तीसरा बड़ा सवाल जो बतौर दर्शक आपके मन में होगा कि यह बेल किस आधार पर मिला है, क्योंकि लंबी बहस चली। मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा, एनसीबी की तरफ से लंबा पक्ष रखा गया, यहां तक कहा गया कि भाई पूरा आधार है कि इनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो जज ने, हाईकोर्ट के जज ने ऐसा क्या पाया कि आर्यन खान, अरबाज और मुनमुन को बेल दी जा सकती है, यह सोचा, इसके बारे में जानकारी के लिए अभी इंतजार करना होगा क्योंकि कल डिटेल फैसला आएगा। आज सिर्फ जज ने यह कहा है कि इन तीनों को बेल दी जा रही है। वो फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है इस केस के लिहाज से, उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन पहले अनुज और अरुणिल, हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलता हूं। अरुणिल, अभी जज ने क्या सोचकर यह बेल दी है, इस पर अभी आऊं। उससे पहले हमारे साथ नाविका जी भी जुड़ गई हैं। नाविका जी, आपके पास और क्या जानकारी मिल रही है? थैंक यू सुशांत। मेरे साथ इस वक्त रायन करांजावाला एंड कंपनी, जो लीगल फर्म हैंडल कर रही थी आर्यन खान का केस, उनकी सीनियर पार्टनर रूबी सिंह आहूजा इस वक्त जुड़ रही हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। रूबी आहूजा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, और रूबी जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज जो आर्यन खान की बेल हुई है मंजूर बॉम्बे के हाईकोर्ट से, वो बहुत बड़ी विक्ट्री है आपके लिए, आपकी फर्म के लिए, और मुकुल रोहतगी जो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल हैं उनकी आर्ग्यूमेंट्स जो रही कोर्ट में वो जज ने स्वीकार की हैं, किस बेसिस पर जज ने ये बेल मंजूर की है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें कि ग्राउंड्स क्या थे बेल देने के? नाविका जी, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ऑनरेबल जज ने अभी अपना पूरा फैसला नहीं सुनाया है, रीजनिंग कल आएगी। आज सिर्फ ये बोला गया है कि बेल एप्लीकेशंस आर अलाउड, तो इस बात का जवाब देने के लिए हमें कल तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी तक रीजनिंग नहीं आई है। तो कल डिटेल में फैसला आएगा और पता चलेगा कि व्हाट पॉइंट्स व्हिच वी मेड द जजेस हैव कंसीडर्ड दोस। बट वी हैड में हमने जो बेसिकली अपने आर्ग्यूमेंट्स वो दिए थे कि ना तो कोई पोजेशन का केस है, इसलिए कोई केस अंदर रखने के लिए बनता नहीं है, एंड दिस वॉज अ फिट केस फॉर द ग्रांट ऑफ बेल। बाकी एज आई सेड, कल फैसले का इंतजार हमें सबको थोड़ा सा करना पड़ेगा। रूबी जी, मैं आपसे सवाल एक और पूछना चाहती हूँ कि हमें ये पता चला है, और मुकुल जी ने भी अपने छोटे से वक्तव्य में ये कहा था कि पूरा डिटेल्ड ऑर्डर कल तक आएगा, तो आपके अनुमान से, क्योंकि आपने ऐसे केसेस कई हैंडल किए हैं, आपके अनुमान से ऑर्डर आने के बाद रिहाई कब तक होगी आर्यन खान की आर्थर रोड जेल से, क्योंकि दर्शकों की इसमें उत्सुकता रहेगी? नाविका जी, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि कल ही हो जाए रिहाई, बाकी जो कानूनी कार्यवाही है उसमें जो थोड़ा बहुत समय लगता है वो तो लगेगा ही, कागज वगैरह जाते हैं आगे, बेल बॉन्ड फाइल होता है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वी आर क्वाइट होपफुल कि कल तक रिहाई हो जाने चाहिए, बाकी हम ऑर्डर का इंतजार करेंगे। रूबी जी, आज एनसीबी ने भी कुछ दलीलें रखी थी, सबसे बड़ी बात जो मुकुल रोहतगी जी के आर्ग्यूमेंट्स में थी वो ये थी कि ना कंजम्पशन की कोई टेस्ट थी, ना रिकवरी हुआ कोई आर्यन खान से, और तीसरी बात जो व्हाट्सएप चैट्स लीक हुए थे जिनकी कहा जा रहा है कि 2018-19 के ये व्हाट्सएप चैट्स थे, ना कोई रेलेवेंस थी इस केस के साथ, और साथ ही में उन्होंने कहा था कि जो फोन लिया गया था, सीज किया गया था एनसीबी के द्वारा, उसमें पेपर वर्क भी नहीं था। ये दलीलें कितनी असर दिखा रही थी जज के सामने, ये जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। नाविका जी, वो तो खैर कल ऑर्डर ही बताएगा, बट ये जरूर बात है कि हमने ये दलील पेश की थी कि जो फोन सीज हुआ है वो उसका पेपर वर्क पूरा नहीं था, अगर मैं आसान शब्दों में आपके दर्शकों के लिए बोलूं। एज फार एज व्हाट्सएप चैट्स आर कंसर्न, उसके ऊपर कोई बहस आज नहीं हुई है। रूबी जी, आप पिछले ऑर्डर का बाकी
आप पिछले कुछ दिनों से बॉम्बे में रही होंगी, आपकी शाहरुख खान जी से भी बात हुई होगी, क्या वो कॉन्फ्रेंसेस में लीगल स्ट्रैटेजी में पूरे इन्वॉल्व थे, इसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सके कि उनका मनोबल कैसा था, या इस विक्ट्री के बाद जो जजमेंट अनाउंस की, प्रनाउंस की, बेल का ऑर्डर जो आया, उसके बाद आपकी शाहरुख खान से कोई बात हुई? नाविका जी, मैं अभी बिल्कुल नहीं मिली हूँ किसी को, अभी मैं अभी कोर्ट से निकली हूँ और कोर्ट में प्रॉपर मेरी बात भी नहीं हुई है किसी से, तो उसका जवाब मेरे पास अभी तो नहीं है, बट आई एम श्योर एज एवरीबडी, आई थिंक शायद थोड़ा देश ही खुश है आज, तो वो भी खुश ही होंगे क्योंकि दिस वॉज अ बिग थिंग फॉर एवरीबडी एंड वी आर ऑफकोर्स वेरी हैप्पी. थैंक यू रूबी सिंह आहूजा. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि टाइम्स नाउ नव भारत पर सवाल पब्लिक का शो पर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें. हम आपके साथ संपर्क में रहेंगे और 8 बजे हमारे सवाल पब्लिक का शो पर आप ज़रूर जुड़ें. पर इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू. थैंक यू. सुशांत जी, ओवर टू यू. ये रूबी सिंह आहूजा जी थी, ये सीनियर पार्टनर है जो लीगल फॉर्म रायन करांजावाला एंड कंपनी इस केस को स्ट्रैटेजाइज कर रही थी, जिनके द्वारा ये पूरी लीगल स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, और वही मुकुल रोहतगी फॉर्मर अटॉर्नी जनरल को भी उन्होंने एंगेज किया था इस आर्ग्यूमेंट के लिए. सीनियर पार्टनर रूबी सिंह आहूजा जी ने हमसे अभी बात की और उन्होंने कहा कोशिश पूरी रहेगी कि सारा पेपर वर्क जजमेंट, डिटेल जजमेंट आने के बाद कल ही पूरा किया जाए, पर कानूनी कार्यवाही के ऊपर है कि कितनी जल्दी ये हो जाएगा. इस वक्त सतीश मानशिंडे जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं. सतीश मानशिंडे जी, नमस्कार. नाविका कुमार बोल रही हूँ टाइम्स नाउ नव भारत से. आपको और आपकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत मुबारक, बड़ा फैसला आया है कोर्ट से. धन्यवाद नाविका जी. टाइम्स नाउ हैज बीन अ ग्रेट channel to work with and thank you very much for all the cooperation. सतीश मानशिंडे जी, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल दर्शकों के दिमाग में जो है वो ये है कि आर्यन खान जेल से बाहर कब तक आएंगे? जरूर जल्दी आएंगे, कल ऑर्डर मिलेगी हमें और उसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज है उसको करके हम उनको छुड़ा देंगे. आपको लगता है कि कल की तारीख में वो वापस आ जाएंगे? आपकी शाहरुख खान से कोई बात हुई जजमेंट सुनकर? सबको उम्मीद है कि वो कल निकलेगा और मैंने सबसे बात किया है, सब खुश है और ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि थैंक यू वेरी मच. सतीश मानशिंडे जी, पिछले कुछ दिनों और कुछ हफ्तों से आप जरूर शाहरुख खान जी के साथ टच में होंगे लीगल स्ट्रैटेजी के लिए, उनकी मनोस्थिति कैसी रही और इस वक्त कैसी है? शाहरुख खान बहुत हम्बल आदमी है, बहुत टफ है और जो भी सिचुएशन है उसको सामने करने की उनको ताकत है और उससे ज्यादा मैं आपसे किसी चीज पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ. बहुत आर्ग्यूमेंट्स जो कोर्ट में पेश की गई, कौन सा आर्ग्यूमेंट टर्निंग पॉइंट रहा? जज साहब ने कोई रीजनिंग ऑर्डर नहीं दी अभी तक और मेरे ख्याल से जो भी हमने आर्ग्यू की है सब एक्सेप्टेबल थे जज साहब को, इसीलिए उन्होंने बेल दे दी है. हमारे साथ जुड़ने के लिए सतीश मानशिंडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस हियर. सुशांत सिन्हा, आपने सुना सतीश मानशिंडे जी भी सेशंस कोर्ट में और फिर मुंबई बॉम्बे हाई कोर्ट में, दोनों में लीगल टीम के हिस्से में रहे हैं और लीड करते रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स को. इस वक्त शाहरुख खान कैंप और आर्यन खान कैंप में सेलिब्रेशन का दौर है कि उनकी दलीलें एनसीबी की दलीलों के ऊपर हावी हो सकी और जज ने बेल का ऑर्डर सुनाया है आज शाम को. मैं आपको वापस हैंडओवर करती हूं क्योंकि क्या दलीलें रहीं, क्या टर्निंग पॉइंट रहा, इस विषय पर मुझे उम्मीद है आप दर्शकों को आगे बताते रहेंगे.
नाविका जी बिल्कुल, इस वक्त सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के मन में, दो सवाल है, एक आर्यन कब बाहर आएंगे, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि कल या परसों, दो दिन हो सकते हैं, डिटेल जजमेंट आने के बाद ही वो बाहर आ पाएंगे, और दूसरा प्रश्न जो लोगों के मन में है कि क्या आधार रहा इस बेल को देने का, क्योंकि निचली अदालत में अगर बेल कैंसिल हुई और फिर हाईकोर्ट में बेल मिल रही है, और अगर जजमेंट में ये कहीं इसका जिक्र होता है कि कोर्ट या जज को लगता है कि हाँ उनके पास पोजीशन नहीं था जज का, इसलिए उनको बेल दी, पोजीशन नहीं था ड्रग्स का इसलिए उनको बेल दी जा सकती है, ये बात उनको सही लगी है, तो ये बहुत बड़ी बात होगी इस पूरे केस के लिहाज से भी। तो बेल क्यों मिला है ये समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और उस पर हमारी नजर रहेगी। एक ट्वीट भी है, बहुत साफ मैं नहीं देख पा रहा हूं, थैंक गॉड एज अ फादर आई एम, ये माधवन का ट्वीट है, थैंक गॉड आर माधवन का ट्वीट है ये कि थैंक गॉड एज अ फादर आई एम सो रिलीव्ड, मे ऑल गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स हैपन। तो माधवन ने ये ट्वीट किया है शाहरुख खान के बेटे को जमानत मिलने के बाद कि एक पिता के तौर पर मैं जो है रिलीव्ड महसूस कर रहा हूं और सब अच्छा हो, पॉजिटिव हो, इसकी वो उम्मीद कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे माता पिता जो हैं उनकी नज़र इस खबर पर थी, बात सिर्फ शाहरुख खान के बेटे की नहीं थी, बहुत सारे माता पिता को लगता था कि अगर ये हुआ है वाकई तो इसके अलग अलग पहलुओं पर उनके बच्चे के लिहाज से क्या इम्पैक्ट है और क्या हो सकता है आगे, इस पर भी उनकी नजर थी। अरुणिल और अनुज दो हमारे सहयोगी, क्योंकि अभी जजमेंट पूरी नहीं आई है, ये दो सहयोगी हमारे वो हैं जिन्होंने लगातार इस केस में सुनवाई पर नजर रखी है, तो वो आपको बेहतर बता सकते हैं कि आज सुनवाई में या आज और कल की पूरी सुनवाई को अगर मिला दें तो वो कौन से तर्क थे जो आपको लगता है कि निचली अदालत से अलग थे और इसलिए फैसला अलग आया। अरुणिल पहले आपके पास आ रहा हूं, क्या आज ऐसे तर्क रखे गए या कल और आज को मिला दे तो ऐसे तर्क थे जो इस केस के लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट थे और इस फैसले की तरफ जाने का इशारा दे रहे थे? पर सुशांत जी, अगर हम इसे तीन दिन की टेस्ट मैच देखें तो जो दूसरा दिन था कल का दिन, उसको काफी अहम माना जा सकता है, उसको टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि कल बात कर रहे थे फॉर्मर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी जी, उन्होंने क्या पहले स्टार्ट किया, पहले बॉल पे सिक्सर मार दिया, ये बोले कि जो ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के पास जब्त हुए हैं वो ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के है ही नहीं, एनसीबी ने वो ड्रग्स रखे हैं, ये बोले।